मोदी बोलेगा तो मैं फांसी भी टूट जाऊंगा। कि वो मोदी का ही चमचा है या संविधान तभी ऊपर हो गया वो। और जिस दिन ये हरियाणा वाले अपने ये पाया गया नहीं, उसने भीतर तक खींच लिया हो गए। हाँ वो चाहते भी फांसी की सजा, ऐसे घटिया आदमी को फांसी की सजा तो बहुत दूर का, अभी तक गिरफ्तारी ही नहीं हो रही। जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है तो हम समाज का क्या करेंगे? ऐसे संविधान का और ऐसे पुलिस प्रशासन का जो बिकाऊ है, हमारा समाज बिकाऊ नहीं होता। और ऐसे गुंडों को नहीं पड़ा होता तो आज ब्रजभूषण जेल में होता। हमारी 22-23 साल साल की बेटियां चीख चीख के बोल रही है मेरा शोषण हो रहा है, मेरा शोषण हो रही है। सब पर क्या बोलेगा? क्या करे? लठ मारो और वोट ले, वो काम और पैसे फेंको। इनके पास कोई विकास का काम नहीं, सिर्फ इन्हें तो पैसे था और सिर्फ गुंडा रास्ता, मतलब इन्हें कोई विकास का। FIR हो चुकी है, कितने दिन हो गए FIR को? 10 दिन हो गए। गिरफ्तारी कब होगी ये बताओ हमें? गिरफ्तारी की एयरों में, चलो गिरफ्तारी होगी, हम तो चाहते भी फांसी की सजा, ऐसे घटिया आदमी को फांसी की सजा तो बहुत दूर का, अभी तक गिरफ्तारी ही नहीं हो रही। हम तो चाह रहे भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या वो इतना बड़ा समाज का संविधान और किससे ऊपर हो गया, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी तक। तो अब क्या मांग, मतलब गिरफ्तारी जरूरी है जो लगातार जिस तरीके से वो लगाया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहा है? एक बात पूछना चाहती हूँ, आप किसी बाण बेटी का शोषण करो, अगर आप घर पर खुले घूमोगे तो क्या ये समाज का तुक है? समाज का तुक है क्या? समाज तो ये चाह रहा है अभी हमारी बाण बेटियां सुरक्षित हो इस समाज में। जब हमारी बाण बेटियां सुरक्षित हैं तो हम समाज का क्या करेंगे? ऐसे संविधान का और ऐसी पुलिस प्रशासन का जो बिकाऊ है, जो हमारे मंत्री तक भी बिकाऊ है। अगर असली में हमारा समाज बिकाऊ नहीं होता और ऐसे गुंडों को नहीं पड़ा होता तो आज ब्रजभूषण जेल में होता। हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं तो जरूरत है ऐसी चीज की? नहीं नहीं, हम तो ये नहीं चाहते कोई हिंदू राष्ट्र हो। हमने तो इन चीजों का पता भी नहीं, सच्ची बतावा, हमने सिर्फ ये बताया भी हम एक किसान मजदूर और एक किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे, और जो हमारी बाण बेटी इनकी लड़ाई ले, आज तक हमने ये राष्ट्र वास्ते कुछ नहीं पता। सिर्फ हमने ये पता भी अपने समाज में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, सब एक है। हमने भरोसा नहीं है इनकी पुलिस में, कोई भरोसा नहीं भाई। इसी से पुलिस पर, यह पुलिस प्रशासन है जिसने अपनी बाण बेटियां जैसी बहनों को डंडे मारे हैं। अगर इनके पुलिस प्रशासन तभी पूछना चाहती हूँ, इनके घर बाण बेटियां नहीं है क्या जिन्होंने हमारी बाण बेटियों पर लठ बरसाए? जिस दिन इनकी बाण बेटियों पर लठ बरसाए उस दिन पूछ लेंगे क्या हाल होता है किसी की बाण बेटियों पर लठ बरसाना। ब्रजभूषण किसका है? सरकार का है ब्रजभूषण भी। वो क्या मानो तो नाम भी लेना था इसका, मैं तो घटी आदमी का जिसकी शकल तक भी नफरत है। मैं तो सीधा कहूँ जिसकी शकल भी नू लगा असली में, ये गुंडा है और हकीकत में वो एक गुंडा किस्म का आदमी है, गुर्गा है। ये जो आज हमारी 22-23 साल की बेटियां चीख चीख के बोल रही है मेरा शोषण हो रहा है, मेरा शोषण हो रही है, सब पर क्या बोलेगा? अगर थाने में कोई लड़की जाके ये बोले ना मेरा शोषण हो रहा है तो पुलिस वाले उस भाई ने जदे उठाकर जेल में गिर देंगे। 12 साल से शोषण हो रहा था, अभी जाकर ये चुनाव के वक्त ये सारा प्रोपेगंडा। कौन सा चुनाव? अभी तो कोई चुनाव नहीं हरियाणा में, ना कहाँ पे चल रहे हैं? चलो अभी हो रहा होगा, इन्हें तो कोई इलेक्शन लड़ना नहीं, इन्हें कोई पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। पब्लिसिटी आरोप लगा इलेक्शन लड़ेंगे वो तो भी कहा है। मैं अगर मोदी बोलेगा तो मैं फांसी भी टूट जाऊंगा। कि वो मोदी का ही चमचा है या संविधान तभी ऊपर हो गया वो? लेकिन अब सरकार के खिलाफ जाया जा रहा है, इससे पहले जो फेडरेशन के खिलाफ थे 3 महीने पहले जो धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। ये बताओ, एक बात आओ, आज तक किसी चीज की अति होती है? अति खत्म होगी इन बहनों की, क्योंकि ननू देखा भी हर जगह इनके साथ गलत होने लग रहा है। कितने दिन आवाज नहीं उठाएगी? मैं तो नू बोलती इन बहनों का बहुत भला, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी कुश्ती हर चीज प्लेयर की तैयारी करती है। अगर आने वाली पीढ़ी भी नहीं बचाई तो हमारी बहनें और भी शोषण की शिकार होगी। ऐसे परिवार का, उसके परिवार के सारे जमाई जमाई बेटे सारे उसने खेल खेल कोटा में रखे, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं। मार क्यों नहीं आप ये खुद ने बताइए? जो पहलवान यहाँ पे मेहनत करने लग रहे, फोगाट शक्सी मलिक एक एक क्षेत्र एक क्षेत्र के झंडे लेके आवा, ये एक क्षेत्र के जो झंडे है ना, ये तिरंगा झंडा का पूरा भारत का नाम रोशन कर, ये एक हरियाणा वाला ना कर रखा है कदम सोचता कोई? और जिस दिन ये हरियाणा वाले अपने ये पाया गया नहीं, उसने भीतर तक खींच लिया हो गए। हाँ अनुराग ठाकुर का ये बयान आया, अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनकी दो मांगे थी, एक उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज हो, दूसरा कहा था कि पुलिस इनको सुरक्षा दे, दोनों मिल गए अपने घर चले जाएं। अनुराग ठाकुर का कोई बयान है? वो तो एक पीछे का, हाँ खेल मंत्री है, इतने इतने पीछे लेकर बड़े रोज, वो बीजेपी का गुर्गा है, गुर्गा और गुंडा। मैं तो कहूँ जिसने इतने इतने रोज के इतने इतने पैसे मिले वो क्यों बोलेगा घटिया? उसके खुद के घर बाण बैठी बजे इतनी इज्जत उछड़ेगी जब पूछेंगे उसने जो उसका FIR? वो तो एक दिन में अपनी बाण बड़े आरोप लगा रही है, इतने इतने पैसे लेकर बढ़ते हैं। हाँ बोल, मामने खुद न बेरा जो बीजेपी का गुर्गे जितने भी मंत्री है नी, इनका घर रोज भाई एक एक पेटी रुपया की जावा जाते, कौन बोलते ये मामला? ना तो कोई CBI का और ना ED का कोई डर भाई बार छापा लगेगा। हम तो किसान की बेटी है, एक किला वह एक किला में अपना खाने के दाने हो जाए, मामने कोई जरूरत नहीं भाई सके। भ्रष्टाचार के काल है मोदी और आप कह रहे हैं YouTube कहते हैं अपना पूरा भारत में करप्शन और एक शोषण सबसे बड़ी बीमारी है। इस करप्शन
लेकर या शोषण लेकर बैठ गया। सिर्फ इन कोई सुधार नहीं करवा, समाज का ना विकास करवा, सिर्फ करप्शन और शोषण और कोई इलाज नहीं। और कुकर सिद्ध करा उसका, उसको लाग रही है सबूत हमारी 28 साल 29 साल की बहन बेटी अनु कहने लग रही है हमारा शोषण है, ये गलत बोल रही है। लेकिन ब्रजभूषण तो ये कह रहे हैं कि मैंने जो है कि सबको दोबारा से जो नेशनल खेला हो या इंटरनेशनल खेला हो, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा, सभी पहलवानों के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। फिर ये लड़ने लग रहे हैं और कब कैसे लड़ेंगे, ये लड़ने लग रहे हैं, सिर्फ वो ये चाह रहा है भी इनको दबोचा जाए, इन बहन बेटियों को। और वही बात है भी जो विनेश फोगाट बहन ने कही थी, आने वाले टाइम में ये तो इतना बड़ा गुंडा है, इन बहन बेटियों को भी मरवा देगा, इनका परिवार को भी खत्म करवा देगा। आरोपी हूं लेकिन अपराधी नहीं हूं, इस्तीफा नहीं दूंगा मैं। इस्तीफा भी देगा, जेल में भी जाओगे, फांसी भी होगी, क्योंकि इसका 2024 में उसका अंत हो गया। और अंत की हमेशा कहा कर अभी अंत हो गया, तो जिसकी खत्म हो गया वो। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत से लोग जेल में चले जाएंगे, खुद खोल रहे हैं। हाँ, मुंह खोल दिया तो, क्योंकि यूपी में 2024 में चेयरमैन का इलेक्शन है और अमित शाह के, मोदी के, जितने बड़े योगी के, इसके काले चिट्ठे इसके पास है, जब तो इसको गिरफ्तार नहीं कर रही सरकार। उनके आदमी भी योगी जी कह रहे हैं गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं, भी तो गुंडे इसको 40-41 केस है, 41वां केस ही हो गया, ये कौन सा दूध का दो, ये भी तो गुंडा, इसने पकड़ लियो, इसका इनकाउंटर करवा दो जिस तरह वो आतंक वगैरह का करवा था। यूपी से सारा गुंडा सब खत्म कर दूंगा, ये भी एक किस्म का गुंडा जिस पर 40-40 केस है। सुप्रीम कोर्ट भी इनका बिकाऊ कुत्ता है, सुप्रीम कोर्ट भी ठीक है। हाँ, देश के न्यायालय पर, हाँ, देश के न्यायालय पर, जिस न्यायालय ने कॉपी बंद कर दी, बोले आगे ये हमारा काम नहीं है, हाई कोर्ट का काम है। और इससे पर कानून प्रक्रिया, कैसा कानून है सारा, अगर कानून होता तो कानून में ये लिखा होता है किसी लड़की पे शोषण होता है उसकी गिरफ्तारी भी होती है, जब हमारी बहन बेटियों में गिरफ्तारी भी नहीं हुई उनके ब्रजभूषण पे, कौन सा कानून कौन सा संविधान बोल रहे हो आप, इस समाज का सब सारा सौदा बिका हुआ है, समाज में पैसों से चलता सब कुछ। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हम सड़कों पे बैठेंगे। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस की जांच पर खाप पंचायत भरोसा करे, अगर मैं दोषी हूँ तो खुद दिल्ली पुलिस भी उसकी कठपुतली है। अगर दिल्ली पुलिस होती तो एक बात आओ, दिल्ली पुलिस के टाइम ये हमारी बहन बेटियों पे लाठीचार्ज हुआ, किस वजह से, केजरीवाल ने तो बोल देता मैं तो इनके साथ हूँ, फिर ये लाठीचार्ज किसने करवाई है, सेंटर ने करवाया जा रहा है, पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, फंडिंग हुई है इन लोगों को। कौन सी फंडिंग हुई भाई, अरे रोटी है नहीं, पानी है नहीं भाई, कौन सी फंडिंग हुई है भाई, फंडिंग उसने बोला अगर भाई राजनीति आदमी आवर भाई 5-5 लाख रुपए दे कर जावा, पेट पानी तक भाई है नहीं, है कौन सी फंडिंग है भाई। नहीं बोल रही, आज तो लाखों की तादाद में यहाँ पे, मतलब जो पहलवान से वो कह रहे हैं एक आदमी ले आओ जो मेरे खिलाफ ऐसा बोले, सत्ता ने तो देर किया भाई, सात लड़कियां तो होगी, वे तो मरी नहीं है, वे कहने लग रही मारा शोषण और इस तो पर क्या पूरे समाज की महिलाओं की बेइज्जती करवाएं। अच्छा पहलवान ये भी स्पोर्ट्स है, लेकिन और स्पोर्ट्स के लोग क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई, करण लग रहे हैं पूरा हरियाणा में, हमारे हरियाणा में कई अकेडमी भी बंद करवा दी खट्टर ने, सबने अपनी भाई रोजी रोटी भी चलानी है, और हमारे वर्ग यहाँ पे खाप पंचायत और जो हमारे संगठन सभी यहाँ पे पहुंचे हैं। आज खाप पंचायत ने क्या निर्णय भाई, फैसला देखो जो फैसला ले होगा बढ़िया होना चाहिए फैसला, हम चाहवा भी हमारी बहन ने जल्दी न्याय मिल जाए। कुछ तो तय हुआ होगा, अभी मीटिंग चल रही है, खट्टर ने तो कह दिया हरियाणा का मामला नहीं सेंटर का मामला, हरियाणा उसने खट्टर ने तो हाथ खड़े कर दिया, जिसका तो रामबाण बेटी ने इज्जत समझेगा भाई। बीजेपी नेता मैडम, जो बीजेपी है बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो क्यों नहीं बोल रही, कौन सा वोट बैंक है, कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ इनके पास तो क्या करे लठ मारो और वोट ले वो कमर पैसे फेंको, इनके पास कोई विकास का काम नहीं, सिर्फ इन्हें तो पैसे था और सिर्फ गुंडा रास्ता, मतलब इन्हें कोई विकास का सरकार है, मजबूत सरकार है, देश में डंका बज रहा है, राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी है भाई। देख मामले तो ना तो कोई मजबूत सरकार लग दी, हम तो हरियाणा में सरकार बीजेपी सरकार ने की मैं समझ देखू, दूसरी दफा लेकर आया कौन सी दूसरी,
भाई हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, हमने सोचा भाई हमारे जैसी भाण बेटिया की हमारा सुधार करवावेगा, हमने नौकरी मिलेगी, जिस तरह मामा सीटा टेस्टेड क्वालिफाई हम सड़क पे बिठा दिए, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, वाकई माँ हमको हमारे गलती हो रही है भाई। बीजेपी को समर्थन किया? हाँ समर्थन कराया था भाई, हमने सोचा भाई हमारे जैसी भाण बेटिया ने हमने नौकरी मिलेगी, कोई समाज में अच्छा काम होगा, हमने कहा बेरा हमारे वर्गी भाण बेटिया ने रोड पे बिठा दिया। ये भी कहा जा रहा है कि ये दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पे ही हो रहा है सब, आपको ऐसा लगता है? एक बात, विपक्ष वाले यहाँ पे पहुंचे नहीं, विपक्ष वाले यहाँ पे आवे नहीं, तो कौन हमारा साथ देगा? किसी ने तो मामना, किसी की तो साथ की जरूरत है। कांग्रेस की भी आई थी, आज राज बब्बर भी आ रहे हैं, और भाई केजरीवाल भी आए थे, किसान संगठन वाले सारे आ रहे हैं, विपक्ष के सब आ रहे हैं। फिर विपक्ष वाले ने भी तो बुलावा, हमारा समर्थन करो। उनका कहना तो आंदोलन भी नहीं, परजीवी है, बुद्धिजीवी, उन्होंने तो मारते भी जब कुछ कुछ कहा था, और जब भी हम जीते हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं। कभी किसान आंदोलन, कभी शाहीन बाग, अब ये एक के बाद एक आंदोलन, आप लोगों को आंदोलन जीवी कह दिया? कोई बात नहीं, आंदोलन जीवी कह जाओ, समाज का काम करने वाले को तो गाली मिल जाए करे, और हम समाज का काम करने लग रहे हैं।